गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते। आज मैं राजकोट के आउटस्कर्ट्स में हूँ और देसी घी को सबसे प्रीमियम क्वालिटी का देसी घी कैसे बनता है, A2 गाय का, गिर गाय का, जिसकी गाय की कीमत थी 40-45 लाख रुपए। रुद्रा हाय, अले रुद्रा, और ये मनुष्य से भी ज्यादा समझदार, प्राणवान, तेजस्वी, टॉप नस्ल मानी जाती है गिर नस्ल गायों की दुनिया में, उसमें ये राजा है। ये सबसे महंगा है, अभी 41 लाख का अभी लिया है। अब इसमें घी बन मक्खन निकलता है, बहुत सारे सिस्टम आए हैं अभी। ऋषि परंपरा में एक ही तरीका मान्य है, जो आगे पीछे घूमता है, लकड़ी का बिलोना है और उसी से ही तैयार होता है और बेचने के लिए बनता है। और देसी बिलोना का घी लिखते है ना, वो खतरनाक है। अच्छा, तो हमारे पास 3,500 से लेके 2 लाख तक का किलो घी है। 2 लाख तक का घी, मतलब हर एक घी में शास्त्रों के रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग हर्बल प्रोडक्ट डले हुए हैं। तो 2 लाख रुपए वाला घी है, वो यूज का पे होता है, खाने बनाने में भी, पूजा में? हाँ, वो खाने में भी है और लगाने में भी है। अच्छा, घी मुकेल मशीन भी हम बेचते हैं। ये लकड़ी जो है, ये चंदन की लकड़ी है। ये चंदन की लकड़ी है, इसमें अलग अलग लकड़ी है हमारे पास, पीपल की है, बरगद की है, बबूल की है, नीम की है। 2 लीटर दही का 15 मिनट में मक्खन हो जाएगा। तो 30 किलो का कितना घी निकलेगा? 30 किलो से 1 किलो घी बनेगा, बस 1 किलो। तो इसीलिए तो ये जो कुछ लोग हमारे जो ओरिजिनल चीज के बारे में बोलते है ना, ये 30 किलो दूध से 1 किलो घी बनेगा, तभी तो 3,500 रुपये में हम बेचते है। हमें तो दूध का 2 रुपया ही मिला, प्रोसेस का भी चार्ज लगेगा ना। ये बन गया, उसकी निशानी है, इसमें एक दाना भी नहीं चिपकेगा। अच्छा, अब इसमें वो, इसको तो अभी पानी भी छटेगा ना इसमें से, इसको धोला जाएगा। अच्छा। 1 किलो 200 ग्राम मक्खन निकलेगा समझ लो, तो उसमें से 1 किलो रेडी मक्खन घी तैयार होगा रेडी। अच्छा, उस कर्ड में से इस प्रकार से मक्खन निकलता है। अब इस मक्खन को पानी से धो के इसको गर्म करने का प्रोसेस दिखाएंगे। हाँ, ये बेल के पत्ते हैं और इस प्रकार से इसमें जो दही छाछ का भाग रहा हुआ है ना, उसको ऐसे पानी डाल डाल के निकाल रहे हैं जी। भट्टी जो हमने बनाई है, इसमें ज़्यादातर गोबर के उपले और लकड़ी चलाते हैं, उसी से ही इसको चलाते हैं और इसी पे ही मक्खन का घी में परिवर्तन करने का काम करते हैं। अभी मार्केट में जो बटर मिल रहा है ना, वो कई प्रकार के अलग अलग जानवरों के दूध से और कई मिश्रित उस चीज़ों से बना हुआ रहता है। ये 30 किलो दूध से 1 किलो 200 ग्राम 100 ग्राम निकलता है। अब इसमें और प्रोसेस करके हम अलग अलग हर्बल आइटम मिक्स करके इसको बनाते हैं, तो ऐसे लगभग 60 से 70 प्रकार के हमारे पास अलग 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 टाइप के घृत है। 60 to 70। हाँ, 70 के आसपास। तो ये अब आपने, आपको जो हमने घी कैसे बनता है उसका प्रोसेस दिखाया,
अब उसके बाद उस घी में से फिर अलग अलग हर्बल प्रोडक्ट डाल के घी बनते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत, ये ब्राह्मी घृत है, ये ज्योतिषमती घृत है, जो ज्योतिषमती घृत है उसको एक बूंद खाना है, ऐसे अलग अलग उसके प्रयोग है, जैसे त्रिफला घृतम है, जैसे ये कामदेव घृतम है, ये पंचगव्य घृतम है, कुमार कल्याण घृतम है, ये फल घृत है, ऐसे हमारे पास पीनट बटर है, ये पिक्कल है, जैसे ये च्यवनप्राश हो गया, ये शहद फ्री च्यवनप्राश है और शहद वाला भी च्यवनप्राश है, जैसे ये सुवर्ण सिद्धम घृत हो गया, ये अलग 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 सभी प्रकार के घृत है, ये नस्य है, किसी भी प्रकार की अनिंद्रा, माइग्रेन, आधा सीसी, खराटे एक ही दिन में बंद हो जाता है, दोनों नाक में एक एक बूंद और एक नाभि में डालना है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हम हर्बल घृत बनाते हैं। और इसके लिए, इसके ऑर्डर के लिए आप हमारी नीचे दी गई वेबसाइट www.girkavcare.org और हमारे कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो है ना 126 कंट्री में हम ऑफिशियली भेजते हैं ऑन पेपर डॉक्यूमेंट के साथ, इसको आप कहीं पर भी सेंड कर सकते हो। इसमें ये कांच की बोतल है, इसको कभी कुछ नहीं होता। और गाय को रोजगारी का आधार बनाया, शॉर्ट में कहूँ तो गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते। आज हमारी कंपनी में 100 लोगों को रोजगार भी दे रही है, तो गाय एक रोजगार का बहुत उत्तम आधार बन सकता है, गांव को बचा सकता है, प्रकृति को बचा सकती है, ऑर्गेनिक खाना दे सकती है, मनुष्य को प्राण, तेज, आयु, बल, वीर्य, मेघा या दिमाग सब गाय ही दे सकती है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए गाय ही वरदान रूप रही है।